हम सब ने नवरात्र तो सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि माँ के 9 रूपों यानी कि ये 9 दिन का कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है। नवरात्रे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये सिर्फ एक नवरात्रे जो है वो एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक ही नहीं, ये एक फेमिनाइन एनर्जी को पूजने का भी प्रतीक है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए हम माँ के 9 रूपों का इस नवरात्रों में पूजा करते हैं, उनका पूजन करते हैं। नवरात्रे के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो ऐसे में अगर आप पहले दिन येलो कलर का प्रयोग करते हैं, माँ को घी का भोग लगाते हैं, वह आपको स्टेबिलिटी देती हैं और साथ में आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। दूसरा दिन माँ का ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। ये इस दिन अगर आप ग्रीन कलर पहनते हैं और साथ में माँ को चीनी का भोग लगाते हैं या फिर जो है मिश्री का भोग लगाते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और प्रॉस्पेरिटी आती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को पूजा जाता है। ये माँ जो है स्ट्रेंथ और ब्रेवरी की देवी हैं। इस दिन अगर आप दूध का और केसर का भोग लगाएंगे तो वो आपको इनर पीस भी देगा और स्ट्रेंथ भी देगा। उसके बाद आता है चौथा दिन, तो चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। ये दिन जो है आप अगर मालपुए का भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो आएगी ही, साथ में आपके घर में भी पॉजिटिविटी आने शुरू होगी, नेगेटिविटी आपके घर से दूर होगी। पांचवा जो दिन है वह है माँ स्कंद माता का। पांचवा दिन स्कंद माता यानी कि मदरली लव ये दर्शाता है। तो अगर आप इस दिन केले का भोग माँ को लगाएंगे तो वो डेफिनेटली एक आपको जो लव का अनकंडीशनल लव है वो प्रोवाइड करवाएंगे। छठा दिन जो है वह माँ कात्यानी का है और कात्यानी माँ जो है वो ब्रेवरी के लिए और साथ में आपकी लाइफ में से हर्डल्स को हटाने के लिए है। अगर आप इस दिन माँ को शहद का भोग लगाते हैं तो वो आपकी लाइफ में ब्रेवरी तो लाएंगी और जो भी फियर्स आपके लाइफ में है उसको खत्म कर देंगी। तो अब बात करते हैं माँ के 7वें रूप की। माँ का जो 7वां रूप है वह काल रात्रि का है। माँ काल रात्रि आपकी लाइफ से, आपके अंदर से जो डर है वो निकालती हैं और आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है उनको दूर करती हैं। तो अगर आप इस दिन माँ को जागरी का भोग लगाएंगे तो आपके घर से, आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो सभी दूर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 8वीं देवी यानी कि महागौरी। महागौरी जो है वो प्योरिटी और पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आज के दिन आप जो है नारियल का भोग लगाते हैं तो ये माँ आपके लाइफ में पीस भी डालती हैं और आपको, आपके हार्ट को पूरी तरह से प्योर करती हैं। फिर आता है 9वां दिन। 9वां दिन जो होता है वो सिद्धिदात्री का होता है। सिद्धिदात्री यानी कि जो 9 दिन आपने लगातार पूजा की है ये कंप्लीशन पे आती है और ये माँ आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं और जो भी आपके मन में जो विशेज होती है उनको कंप्लीट करती है। तो अगर आज के दिन आप माँ को काले तिल का भोग लगाएंगे तो डेफिनेटली माँ आपकी जो भी विशेज होगी उनको पूरा करेंगी। अब 9 दिन के बाद आता है दशहरा, जो कि रावण के ऊपर राम की विजय यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है किस तरीके से हम अपनी सभी नेगेटिविटीज को दूर करके पॉजिटिव रास्ते पे चल सकते हैं या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस नवरात्रि माँ के हर 9 रूपों का आप आशीर्वाद ले और दशहरे पर अच्छाई की और विजय की सेलिब्रेशन करें। धन्यवाद।